मैं झूठ बोलने के सख्त खिलाफ हूँ, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। यह नोट नहीं चलेगा, दूसरा दो। दारू का छोरो वो पान भी नहीं खाता। सुनने में आया है कि तुम शादी कर रहे हो, क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जांपल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर वन बाय वन करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, सुनने में आया है कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, सुनने में आया है कि तुम शादी कर रहे हो, तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप रूमर हैज इट डैट का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जांपल देखिए। सुनने में आया है कि तुम नया घर खरीद रहे हो, क्या ये सच है? आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं, रूमर हैज इट डैट यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस, इज इट ट्रू? रूमर हैज इट डैट यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस, इज इट ट्रू? एक और एग्जाम्पल देखिए, सुनने में आया है कि तुम शादी कर रहे हो, क्या ये सच है? आप इंग्लिश में बना सकते हैं, रूमर हैज इट डैट यू आर गेटिंग मैरिड, इज इट ट्रू? रूमर हैज इट डैट यू आर गेटिंग मैरिड, इज इट ट्रू? आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सख्त खिलाफ होना। कई बार आप हिंदी में बोलते हैं, मैं शराब पीने के सख्त खिलाफ हूँ, तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एडवर्ब्स टू का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मुझसे झूठ मत बोलो, मैं झूठ बोलने के सख्त खिलाफ हूँ। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, डोंट टेल अ लाई टू मी, आई एम एडवर्स टू टेलिंग अ लाई। डोंट टेल अ लाई टू मी, आई एम एडवर्स टू टेलिंग अ लाई। आप इस तरीके से इसका यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, नहीं मेरे पापा शराब नहीं पीते हैं, वो शराब पीने के सख्त खिलाफ हैं। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं, नो माई डैड डजंट ड्रिंक वाइन, ही इज एडवर्स टू ड्रिंकिंग वाइन। नो माई डैड डजंट ड्रिंक वाइन, ही इज एडवर्स टू ड्रिंकिंग वाइन। आप इस तरीके से इसका यूज करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, तो छोरो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, शराब पीने का तो छोरो वो पान तक नहीं खाता, तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जांपल देखिए, पता है दारू पीने का तो छोरो वो पान भी नहीं खाता। गाइस आप डे टू डे लाइफ में इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस बोलते हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, You know what? He doesn't chew betel, not to speak of drinking wine. You know what? He doesn't chew betel, not to speak of drinking wine. आप इस तरीके से इसका यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, खाना बनाने का तो छोरो, उसे तो चाय भी बनाने नहीं आता। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, She doesn't even know how to make tea, not to speak of cooking food. She doesn't even know how to make tea, not to speak of cooking food. आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, यह मेरा सौभाग्य है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, आपके साथ बैठकर खाना मेरा सौभाग्य है, तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप
इट्स माई प्रिविलेज्ड टू का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं आपसे मिलना चाहता था, आपके साथ घूमना तो मेरा सौभाग्य है। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आई वॉन्टेड टू मीट यू, इट्स माई प्रिविलेज्ड टू रोम विद यू। आई वॉन्टेड टू मीट यू, इट्स माई प्रिविलेज्ड टू रोम विद यू। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके साथ खाना तो मेरा सौभाग्य है। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, इट्स माई प्रिविलेज्ड टू ईट विद यू। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, इट्स माई प्रिविलेज्ड टू ईट विद यू। आप इस तरीके से सिंपली इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, छुटकारा पाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप गेट रीड ऑफ का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह मुझे बहुत तंग करता है, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। ही टीजेस मी अ लॉट, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हिम। ही टीजेस मी अ लॉट, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हिम। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए। मैं इस काम से ऊब गया हूँ, मैं अब इस काम से छुटकारा पाना चाहता हूँ। कई बार आप फ्रस्ट्रेशन में इस तरह से बोलते हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आई एम फेड अप विद दिस वर्क, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस वर्क। आई एम फेड अप विद दिस वर्क, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस वर्क। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, नहीं चलेगा। कई बार आप दुकान में जाते हैं और आप नोट देते हैं और वो नोट फटा हुआ निकलता है। दुकानदार बोलता है, यह नोट नहीं चलेगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विल नॉट डू का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। यह नोट फटा हुआ है, यह नोट नहीं चलेगा, दूसरा दीजिए। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। दिस नोट इज़ टॉर्न, इट विल नॉट डू, गिव मी अनदर वन। This note is torn, it will not do, give me another one. आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। यह नहीं चलेगा, आपको भी मेरे साथ खाना पड़ेगा। आप खाने में बैठे हैं और आप किसी को इस तरह से बोल रहे हैं। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। It will not do, you also have to eat with me. It will not do, you also will have to eat with me. आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस और बोल सकते हैं आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजबल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।